हाय गाइस, तो जल्दी से ले लीजिए एक कटोरी पास्ता और रख दीजिए पानी उबलने के लिए। उसमें मैंने ब्लैक पेपर, नमक और तेल डाल दिया है पानी में और वो उबल रहा है। देखिए, इस तरीके से हमें पास्ते को उबाल के रख लेना है। चटपटा बनाने के लिए मैं और ले रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, और इसके बाद आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं मिर्च पाउडर और गरम मसाले को, मगर अगर आप डालेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और मैं इसके साथ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिक्स ओरेगानो भी डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें और डालूँगी। देखिए, इस तरीके से मिक्स ओरेगानो और मिक्स हर्ब्स भी मेरे पास, और इसे मैं आप डालूंगी मेयोनेज एक बड़ा चम्मच भरकर, और उसके बाद एक बड़ा चम्मच भरकर मैं इसमें डालूंगी शेजवान चटनी, और फिर से मैं इसमें डालूंगी रेड चिली सॉस। देखिए, आपके पास टमाटो प्यूरी हो तो आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हो, और अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्स हो जाएगा। इसे हमें करना क्या है, देखिए इस तरीके से, देखिए कितना खूबसूरत पेस्ट रेडी हो गया है इसका। डाल रही हूँ ऑयल और इसे गरम कर लूंगी, और इसमें मैं डाल दूंगी कुछ बारीक लंबा लंबा कटा हुआ प्याज, मोटा हुआ कटा हुआ, और कुछ लंबी कटी हुई लाल हरी मिर्च, और इसे हल्का सा भूनेंगे। हम इसे हल्का ही भूनेंगे, ज़्यादा कुछ गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। और इसमें हम जब ये थोड़ा सा हल्का भून जाए तब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और गाइस, एक बात याद रखना, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी पास्ता बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं, या तो फिर ब्लैक पेपर, दोनों से कोई एक चीज़, दोनों अगर आप कर देंगे तो फिर स्पाइसी कैसे रहेगा। और इसमें आप जो हमने पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे, और उसे भी थोड़ा सा भून लेंगे हम, इसमें हल्का सा सौते कर लेंगे। देखिए, मैं इसमें जो मैंने ब्लैक पेपर और नमक और तेल का पानी था जो पास्ता उबाला था वो पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा भूनने के लिए, क्योंकि वो बहुत जायकेदार पानी है गाइस, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा डाला। और अब मैं डालूँगी उबला हुआ पास्ता, और उसे भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरीके से पका लूँगी और पूरे सॉस में कोट कर लूँगी, जिससे ये सॉस हर जगह पे अच्छी तरीके से फुल फिल हो जाए। रेडी है खाने के लिए, और इसे मैंने बोल में सर्व किया है। ये बोल मैंने कैसे बनाया है इसका मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। बहुत सिंपल है ये बोल्स बनाना, और देखिए कितना यम्मी है और कितना टेस्टी है। ये मैंने घर पे बनाया है बोल्स है, और ये पास्ता और बोल्स आप दोनों भी खा सकते हो। और देखिए कितना टेस्टी और बहुत स्पाइसी पास्ता है दोस्तों, और बहुत इजी और सिंपल भी है। तो आप ज़रूर इस पास्ते को बनाइए, ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और मेरे चैनल को इसी तरीके से फॉलो कीजिए। है ना सिंपल ट्रिक्स से।
टेस्टी, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।